Hello my dear students, welcome to online platform of Chatak Physics. This is Anshuman Thri Chatak, your physics teacher. Pela mane problem solving ra ame gote session already sarithila, gote short video upload kara jaithila. Assignment 2.1 na kichhi important problems, group C ra question gudaku. I hope tumane seta bujithibo. Aji baki remaining question jetika achi, bahut sara question auri achi, sabu guda ame solve kariba. Hela ki try kariba aji ra session bhitare solve kariba pai sabu. To jodi na houche ame a gote ku jiba. पार्ट 1 रे किछि क्वेश्चन आमे देखिथिले पार्ट 1 ने किछि गोटे क्वेश्चन आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हेतला सेटा ऑलरेडी मु कमेंट रे तुमको बते दिथिले जोटा आंसर 2 इज टू 1 बोल लेखा जायथिला से आंसरटा एक्चुअली 1 इज टू 2 हबो कमेंट सेक्शन रे ऑलरेडी मु लिखि दिछि को टाइम रे कोटा से क्वेश्चन रो क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 रा आंसरटा सेटा 1 इज टू 2 ठीक अछि त तुम माने सेटा को करेक्शन कर नबो निजे निजे नोट्स रे बोलिबो नै ओके तो जमिति तुमको आगुरु कहिथिले प्रीवियस लेक्चर रे डिस्क्रिप्शन ने मो लिंक दउची ए लेक्चर रे भी डिस्क्रिप्शन ने लिंक अछि डाउनलोड दी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मो एठी लिखिबे नाही मो केवल आंसर करबी तमे क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट बाहर करबो पर तमे क्वेश्चन पेपर रखिबो पाखरे फ्रॉम दैट यू फॉलो दी क्वेश्चन हला की एठी हम प्रोसेस देखिबो केमिति क्रिटिकल प्रॉब्लम सब सॉल्व होउछ ओके तो डिस्क्रिप्शन को जाओ डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर जो माने वीडियो भी देखि ना हो इलेक्ट्रिक करंट रो सब प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन अभी प्लेलिस्ट मु अपडेट करी छी ताको भी देखो हला तापर प्रॉब्लम गुडा इजीली बुझी परबो ठीक अछि सो स्टार्ट करबा आजिरो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास सो पहिला माने इंटरेस्टिंग लागिवो बहुत भलो भलो प्रॉब्लम अछि मजा मजा क्वेश्चन हम करबा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 पर्यंत हम जाइथिले ना कोन क्वेश्चन नंबर 19 पर्यंत कवर अप हेथला 19 परे नेक्स्ट प्रॉब्लम अछि नेक्स्ट प्रॉब्लम अछि क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम अछि क्वेश्चन नंबर 31 ओके सो क्वेश्चन नंबर 31 को हम जेबा बुझौ छी 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करबा माइंडफुली देखियो हला ठीक अछि वाच प्रॉपर्ली 31 क्वेश्चन कोन कहो छी क्वेश्चन नंबर 31 मो क्वेश्चन नंबर एथि मेंशन करू छी तुम पाखे क्वेश्चन अच्छी कौच बारंबार कौच डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी से क्वेश्चन तुम पाइव ओके 31 क्वेश्चन कही टू इलेक्ट्रिक बल्बस 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब आ गोटे 220 वोल्ट 60 वाट आर कनेक्टेड आक्रस 220 वोल्ट सोर्स व्हिच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर कौ बल्बटा ब्राइट जल्द गोटे कमन वोल्टेज सोर्स को दि जाए से वोल्टेज सोर्सटा अच्छी 220 वोल्ट दुटा बल्ब एमती लगे गोटाए कमन वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज रेटिंग आर वी हमें वी सोर्स को देचे हाँ ना नहीं अच्छा ताले सीरीज कम्बिनेशन में कौ बल्ब ब्राइट जड़े एटा अति सिंपल ट्रिक तुमको कह जाइला जे रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर ताले रेजिस्टेंस बाहर कर पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेटेड पावर ताले रेजिस्टेंस आस जीवो वी स्क्वायर बाय पी ताले ऑब्वियसली दुई जनकर वोल्टेज समान अछि वोल्टेज दुई जनकर समान अछि ताले रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ना ताले कहार रेजिस्टेंस अधिक हबो जहार पावर हाई थिबो ताले एटा को मु पी1 बल्ब धरली एटा पी2 बल्ब धरली ताले जहार पावर रेटिंग अधिक ताले 100 वाट बल्ब रो रेजिस्टेंस टा कम आसीबो हाँ ना नहीं 60 वाट बल्ब रो रेजिस्टेंस टा अधिक आसीबो ता माने R1 लेस देन R2 काहेकि रेटेड पावर टा रेटेड पावर अछि P1 ग्रेटर देन P2 रेटेड तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर एटा आसीगला R1 लेस देन R2 सीरीज कनेक्शन जेतु अछि दि गोटिए करंट पास करिवो सेथिरे ताले कंज्यूम्ड पावर रो फार्मूला कहिथिलि जे अधिका पावर कंज्यूम करिवो से बल्बटा ब्राइट जलिबो मने पडुछि से बल्बटा ब्राइट जलिबो ताले पावर रो फार्मूला पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर ताले P1 डैश I1 स्क्वायर R1 P2 डैश आई स्क्वायर R2 आमे ऑलरेडी पाई जाइछे R1 लेस देन R2 करंट तो गोटाए करंट जीवो ताले को पावर टा अधिक हला P1 डैश ऑब्वियसली लेस पावर कंज्यूम करिवो P2 डैश अधिक पावर कंज्यूम करिवो जानी होची ताले P1 डैश टा ता माने को फास्ट बल्ब
100 वाट हां ना नहीं जानी होची 100 वाट बल्ब रो सॉरी सॉरी उल्टा कहले 100 वाट बल्ब रो हमर रेजिस्टेंस कम पाइथले जहां रेजिस्टेंस अधिका ताले रेजिस्टेंस सेकंड टा अधिका ताले सेकंड बल्ब टा अधिका पावर एठी कंज्यूम कला ताले सेकंड बल्ब टा P2 बल्ब टा अधिका पावर कंज्यूम करबो ताले आंसर कोन हबो 60 वाट विदाउट कैलकुलेशन तुम एटा को सॉल्व करि परबो विदाउट कैलकुलेशन हला ट्रिक कोन ट्रिक कोटे कहाई थला पढेला बळे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर बळे जे सीरीज कॉम्बिनेशन बळे जदि रेटेड वोल्टेज समान रहउची पावर डिफरेंट रहइबो लो पावर बल्ब टा ब्राइट जळइबो जदि पैरेलल कॉम्बिनेशन करूच मन पडुची जदि पैरेलल कॉम्बिनेशन करइबो हाई पावर बल्ब टा ब्राइट जळइबो ठीक अछि ताले एठी को बल्ब टा ब्राइट जळला 60 वाट बल्ब कने 60 लो पावर बल्ब रो रेजिस्टेंस हाई सीरीज रे कनेक्ट हले से अधिक पावर कंज्यूम करइबो सो दिस विल ग्लो ब्राइटर एटा ही क्वेश्चन थला किए ब्राइट चलिबो बुझि हला हो ना नै क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट 32 इजी क्वेश्चन फ्यूज कोण पचाची करि परिबो हला मो न्यूमेरिकल केवल सॉल्व करछि उडा प्रॉब्लम्स रहिछि 33 क्वेश्चन अछि हला टिके डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन 31 क्वेश्चन मो लिभौ नै अछि देखि परिबो तमे ये करिके हला 33 क्वेश्चन 33 रहिछि व्हिच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर और 100 वाट फिलामेंट बल्ब बोथ मार्क्ड 220 वोल्ट दीटा जका 220 वोल्ट मार्क हे चंती गोटा इलेक्ट्रिक हीटर अछि जोटा 1 किलोवाट आ गोटे होजी 100 वाट बल्ब एटा अजी अति इजी क्वेश्चन एटा हला कि वेरी इजी क्वेश्चन हला कहार रे ग्रेटर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड पावर जानिचो ताले ऑब्वियसली जहार पावर कम ता रेजिस्टेंस अधिका ताले 100 वाट हला 100 वाट कोन 100 वाट ता बल्ब 1 किलोवाट ता थला हीटर हला कैलकुलेट करबा को कहिनी यदि कैलकुलेट करे कहियो भी करि परिबो हला एटा सपोज आर1 रेजिस्टेंस एटा आर2 ताले आर1 मु नै परिबि कोन हबो वी स्क्वायर बाय पी1 आर2 नै परिबि वी स्क्वायर बाय पी2 यानी परचो कैलकुलेशन हाना नहीं ठीक अछि ताले 220 रे स्क्वायर ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय पावर 1 किलोवाट माने 1000 वाट एटा 220 रे स्क्वायर बाय 100 हला ऑब्वियसली आर1 विल लेसर देन आर2 लो पावर बल्ब रेजिस्टेंस अधिक आसीबो हाना नहीं ताले कहार ग्रेटर रेजिस्टेंस बल्ब रो बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस है ना ठीक अछि 33 क्वेश्चन हमर क्लियर हे गला 34 गोटे ग्राफ अछि करि परबो ऑलरेडी एटा डायरेक्ट नोट्स बा तमर कांसेप्ट टू क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर सेमीकंडक्टर सुपरकंडक्टर कोन भी कहिथिले हला ठीक अछि व्हाट इज द अच्छा नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन बुझिबा पॉलिटिक के डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आछ पिला माने 36 क्वेश्चन देखो 36 कहची टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ इन रेशियो 1:2 32 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन मोटा को लिखो छी दीटा वायर अछि टू वायर्स सेम मटेरियल्स तंकर लेंथ रेशियो L1:L2 1:2 डायमीटर इन द रेशियो 2:3 D1:D2 हला 2:3 हना नहीं आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्युमुलेटर एक्युमुलेटर मींस व्हाट अ वोल्टेज सोर्स व्हिच टर्न ऑन द सर्किट तो माने कंफ्यूज होतबो जे एक्युमुलेटर जिंसटा कोन पहिला माने एक्युमुलेटर किछ नुवा जिंस न हो एक्युमुलेटर होची गोटे वोल्टेज सोर्स जोटा गोटे सर्किट को रन करे बा सर्किट को वर्किंग कंडीशन को निए तो एक्युमुलेटर वोल्टेजटा आम एठी देखेले वी बोली सपोज धरिबा केत वैल्यू तार देनी हला कि कंप्यूट द रेशियो ऑफ पीडी अक्रॉस टू वायर ए वायर सपोज तार गोटे रेजिस्टेंस ऑफ आसी जीवो ए वायर दिटांग सीरीज रे लागिछ ना आर1 आर2 बुझियौ छी एठी गोटे वोल्टेज दिया गला वी हना नै ऑब्वियसली ताले क्वेश्चन ने कोन पचारी छी बुझि परछ सपोज एथिरे वोल्टेज आसीला वी1
एथरे वोल्टेज आसीबो v2 टोटल v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v होना नहीं क्वेश्चन पचारी छी रेशियो ऑफ दिस टू वोल्टेज v1 इज टू v2 केते जानि परछो ना कांसेप्ट जानि परछो थरोली कोन पचारी छी ओके तो देखो L1 by L2 टाको आमे लेखी परिबा L1 is to L2 obviously L1 by L2 ताको आमे लेखी परिबा 1 by 2 अच्छा D1 by D2 diameter ratio देजी area टा कौन diameter को नेके area रा formula तुम्हें जानी छो area will be cross sectional area pi D square by 4 काना diameter को नेके अच्छा pi r square cross sectional area pi D square by 4 हीजी वो ताल जो दी area रा मुँ ratio नेवे A1 by A2 pi of 4 कोटी जो obviously d1 square by d2 square ता माने 4 is to 9 है गला ताले a1 by a2 पाई गले l1 by l2 केते पाई गले अच्छा एर लाइन टा में लिखिले एटा किसी दरकार ही पड़ी बनी एटा दरकार पड़ी हमें केवल बुझा पई लिखले v1 plus v2 equal to v दीटा को जे तो सीरीज रे अछन पिला माने गोटाए करंट सेतिर जीवो i होना में i करंट पास करबो ताले v1 equals to ir1 and v2 is equals to ir2 ए कांसेप्ट रे जदि हमें नबा v1 by v2 रो रेशियो पचारची क्वेश्चन रे होना ना वोल्टेज रो रेशियो पचारची कंप्यूट द रेशियो pd अक्रॉस टू वायर्स ए दिटा वायर अक्रॉस रे pd पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस रेशियो काकि सीरीज रे अछंती होना ना जानि परचो अच्छा ताला हमगो क्वेश्चन को हाई छि दिटा को वायर सेम मटेरियल ले तयारी माइंडफुली सुन ता माने दो जण कर रेजिस्टिविटी समान दुई जण जकर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट गोटे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रे से माने तेरि हे चंती हला ताले मोद रेजिस्टेंस रेशियो एटी नेबी अच्छा r1 टा को लेखि परबी रो l1 by a1 बुझा बोले कि r2 टा को लेखि परबी रो l2 by a2 होना नहीं ताले r1 by r2 रा जदि रेशियो मुनेली कोन हे गला l1 by l2 into a2 by a1 क्लियर ना l1 by l2 into a2 by a1 ताल l1 by l2 जागारे मुँ पके दिल 1 by 2 a2 by a1 जागारे पके दिल 9 by 4 ताल मोर r1 by r2 रो कंप्यूट करली भैल्यू टाकु मिल गला 9 by 8 क्लियर ना बुझेला पिला माने केते इंटरेस्टिंग कांसेप्ट r1 by r2 रो भैल्यू टाकु पाइगल 9 by 8 ताल ऑब्वियसली v1 by v2 रो रेशियो मोर आसी गला 9 is to 8 हाना नहीं केते इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पिला माने 36 नंबर क्वेश्चन समस्त क्लियर हे गला आई होप हाना नहीं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को जीवा ओके 36 नंबर पर्यंत ओवर हला पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 37 37 क्वेश्चन कोन देछि के थोरली देखो जो व्हेन लेंथ ऑफ यूरेका वायर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 and the radius is reduced to half of original value what will be the resistance eta kichhi deini boli bhabi confuse hobo nahi eureka gote material jo material same material same constant rahuchi throughout the operation ta mane ta resistivity ta constant rahila bujhi parcho concept to eureka resistivity ta fix eti ki ame jani gale to tara length ta suppose thila l area suppose thila a okay तो रेजिस्टेंस सपोज से तो बड़ा सी वो आर कैपिटल आर से कहो ची है ना सॉरी ये 37 है ना तो लेंथ इज रिड्यूस टू 1/4 तो हमने न्यू लेंथ एल डैश इज इक्वल्स टू एल बाय 4 एंड एरिया इज रिड्यूस टू कौन गला एंड रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ताले रेडियस टा हाफ है गला आर डैस इक्वल टू आर बाय टू ओके ताले एरिया केते हिजु ए डैस पाई आर डैस स्क्वायर ताले पाई आर डैस ऑब्वियसली एरिया टाइटा को पाई आर स्क्वायर बोलना बाय इनिशियली पाई आर स्क्वायर थिला तो पाई आर डैस हेले आर स्क्वायर बाय 4 ता माने न्यू एरिया इज इक्वल्स टू ओल्ड एरिया बाय 4 जानि परलो एरिया केते टाइम्स को मिला लेंथ केते टाइम्स को मिला ताले न्यू रेजिस्टेंस सपोज आर डैश रो एल डैश बाय ए डैश वेरी सिंपल आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए तो आर डैश इक्वल टू रो एल डैश ए डैश रो तो अच्छी फिक्स
एल डैश जगह मु पके देली एल बाय 4 ए डैश जगह पके देली ए बाय 4 कोन हे गला जान परचो 4 टा ऊपर को पळेला 4 4 कैंसिल हे गला रो एल बाय ए समान रहला ना त माने न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस किछि भी चेंजेस आसीला नाही गणि हो जी आ रो एल बाय एटा ओल्ड रेजिस्टेंस नो की कैपिटल आर जदि नबा रो एल बाय ए एटा ओल्ड रेजिस्टेंस ताले न्यू रेजिस्टेंस जहा आसीला ओल्ड रेजिस्टेंस सेट की थिला ओल्ड आर डैश इक्वल टू आर ताले रेजिस्टेंस किछि चेंजेस आला नाही बुझि हो जी अति सिंपल क्वेश्चन एटा हला इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 40 तमे करि परिबो क्वेश्चन नंबर सॉरी 48 38 क्वेश्चन गोटे वेयर दी जार रेजिस्टेंस गिवन अछि 38 नंबर क्वेश्चन जस्ट हिंट्स दउछि करि परिबो हला जो गोटे आमे डिफिकल्ट क्वेश्चन हे परिबो नि ता पई टाइम दबा ए गुडा को अधिक टाइम दबा नाही हला रेजिस्टेंस दैछि 10 ओम वेयर रो जार डायमीटर दैछि 0.42 mm एतिकी डायमीटर रो आमे गोटे 10 ओम रेजिस्टेंस काढी नबा जार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी अछि 44 माइक्रो ओम सेंटीमीटर माइक्रो ओम सेंटीमीटर कैलकुलेट इट्स लेंथ तार लेंथ केते हबो होना नै सो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए तले एल हि जीवो वेरी सिंपल आर ए बाय रो रेजिस्टेंस गिवन अछि एरिया टा बाहर करि परिबो पाई डी स्क्वायर बाय 4 एसआई को कन्वर्ट करिबो मिलीमीटर को मीटर करिबो अच्छा रेजिस्टिविटी टा को ओम इनटू मीटर रे कन्वर्ट करिबो माइक्रो ओम त हम एटा कर दउ छी लिखि दउ छी माइक्रो माने 10 पावर माइनस 6 हला कि सेंटीमीटर को मीटर करिबा 10 पावर माइनस 2 ओम इनटू मीटर हना ने हे गला अच्छा एटा को यदि मीटर करिबा 0.42 10 पावर माइनस 3 मीटर ऑब्वियसली उडा पके देला परे एरिया टा नै जेबो पाई डी स्क्वायर बाय 4 हमरो लेंथ आसी जेबो क्लियर बुझियाला 38 40 नंबर क्वेश्चन है वेयर ऑफ रेजिस्टिविटी पी इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हला स्ट्रेच हला माने कांसेप्ट कोन अलगा तुमको कह जायतला स्ट्रेच हला माने गोट वेयर जा रेजिस्टेंस पी तार लेंथ को डबल करा है गला लेंथ थला एल न्यू लेंथ एमिति कर हला जे सेटा ओल्ड लेंथ रो डबल ट्वाइस केमिति कर हला लेंथ रा को हमें जोड़ की कर नै स्ट्रेच करी करे टाणी देले टाणी के हमें लंबैले तो टाणी के जते हमें रेजिस्टेंस लेंथ रा को बढ़ाई दबा कोन खब कहिसिले एरिया टा कमी जबो ना गोटे वेयर थला हमें ता टाणी दबा तार क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी जबो केते कमीबो लेंथ जति की टाइम बढ़िबो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेति की टाइम कमी जबो बिकज वॉल्यूम इज कांस्टेंट मन पड़ुचे अच्छा तार न्यू रेजिस्टेंस केते हि जबो पी डैश माने कर हला एन स्क्वायर पी मन पड़ुचे को हाइतला एन रो वैल्यू एठी 2 मन पड़ुचे ना आर इक्वल टू एन स्क्वायर आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर हला कि तब एलोंगेशन होउची बा स्ट्रेच होउची यदि कंप्रेस होतबो आर बाय एन स्क्वायर एन एच हला 2 ताले 4 पी पके देले भी फार्मूला तमरा आसी जबो एटा न्यू रेजिस्टेंस पाई फार्मूला यदि रो पी इक्वल टू रो एल डैश तो पी वैल्यूटा को हमें पुट कर दउ छे जहाँ प्रीवियसली थी ऑब्वियसली पी जोटा थला रो एल बाय ए पी डैश हो गला रो एल डैश बाय ए डैश एटा पकई देले तुम्हें भी देखो यहाँ 4 पी आसी जाऊँच एल डैश अगर पक 12 एटा पकई दो ए बाय 2 ऑब्वियसली 4 पी हो जाए जानपर छो तो क्वेश्चन नंबर 40 टा बहुत इजी सॉरी गला क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन कौन देछि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज फेड फ्रॉम ए 20 वोल्ट सोर्स गोटे वायर अछि जहार रेजिस्टेंस अछि 12 किलो ओम इज फेड फ्रॉम 20 वोल्ट सोर्स 24 वोल्ट सॉरी 24 वोल्ट 24 वोल्ट सोर्स रो ताकु फेड करा गला खुआ गला ताकु सप्लाई दिया गला पचार छि कोन फाइंड पावर इन किलोवाट केते पावर कंज्यूम कला इन किलोवाट आउ कोन पचार छि करंट इन एम्पियर वेरी सिंपल क्वेश्चन एउटा हला त
ताले पावर केते हि जो करंट आगो बाहर कर दियो हला वोल्टेज गोटा रेजिस्टेंस अछि तो करंट इक्वल टू वी बाय आर 24 डिवाइडेड बाय आर 12 किलो ओम 12 इनटू 10 पावर 3 जो 2 इनटू 10 पावर माइनस 3 एंपियर माने जे 2 मिली एंपियर पावर केते पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट बोली करि परबा हना ने तले वोल्टेज 24 वोल्ट करंट होची 2 मिली एंपियर जे 2 इनटू 10 पावर माइनस 3 एंपियर हना ने तटा 48 इनटू 10 पावर माइनस 3 वाट बुझे होची पचर छि किलो वाट रे बाहर करबो हना तले 48 इनटू 10 पावर माइनस 3 हना ने इनटू 10 पावर प्लस 3 गोटे करो पुणी डिवाइडेड बाय 10 पावर प्लस 3 गोटे करो ताले एति की किलोवाट बोली करि परबा 10 पावर 3 वाट हला ताले एटा को जदी कैलकुलेट करबी 48 इनटू 10 पावर माइनस 6 किलोवाट बुझि परलो कैलकुलेशन टा ठीक अछि अच्छा 41 क्वेश्चन टा हमर हे गला इजीली हां तो सही कैटेगरी रा क्वेश्चंस जहां भी आसीबो तुम एबे करि परिबो हला तो नेक्स्ट आ गोटे टाइप रा क्वेश्चन को हम जेबा टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर्स एरा तो ऑलरेडी जानचो करि परिबो हला आर थीटा इक्वल टू यदि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर जे आर थीटा 2 इज इक्वल्स टू आर थीटा 1 इनटू 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1 एटा जानिच फार्मूला थीटा 1 गोटे टेंपरेचर जो टेंपरेचर रेजिस्टेंस होची आर थीटा 1 थीटा 2 आ गोटे टेंपरेचर जो टेंपरेचर रेजिस्टेंस होची आर थीटा 2 तो तांको भीतर रिलेशन जदि टेंपरेचर टा राइज कला थीटा 1 डिग्री सेल्सियस रु थीटा 2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत ताले से भीतर रेजिस्टेंस केते चेंज होबो तांको रिलेशनशिप होची एटा डायरेक्टली वैल्यू पुट करियो एटी गोटा जिंस तुमको नुआ लागो सेटा होची अल्फा अल्फा कोन अल्फा होची टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जानिच ऑलरेडी जिंसटा को हला तो एटा को नेकी करि परबो हला तो 41 ऑनवर्ड्स जो साइड रो क्वेश्चन रहूची हला ए क्वेश्चन गोडा सब एक जहाँ जति के हम कले ए टाइप रो कैटेगरी नै कि सो 40 रु 50 भीतर से क्वेश्चन गोडा को सब इजीली करि परिबो हला कि करंट डेंसिटी पचारि छी 49 नंबर गोटे क्वेश्चन अछि क्लू जस्ट दे दो छी जो गोडा 49 गोटे क्वेश्चन अछि देखो करंट डेंसिटी पचारि छी सेतर करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू आई बाय ए हला 49 करंट डेंसिटी जे आई बाय ए आई जानिछ करंट एरिया टा बाहर कर दबो क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ताको कैलकुलेट करिवो करंट डेंसिटी बाहर छिबो हला रेडियस दै छी आउ मन रखिवो कैलकुलेशन बळे सब गुडा एसआई यूनिट को कन्वर्ट करिवो मिलीमीटर अछि ताको मीटर रे कन्वर्ट करी कैलकुलेट करिवो ठीक अछि ओके सो नेक्स्ट आमे जीवा 50 गोटे क्वेश्चन अछि नंबर 50 नंबर 50 रे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन कोन सेथिर दै छी आमे देखिवा क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 रे कहि छ गोटे कॉपर कंडक्टर अछि जहार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 मिलीमीटर स्क्वायर दै छ कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स जेटा 20 वोल्ट हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम इचि रेजिस्टेंस दै छ 5 ओम कैलकुलेट द मोबिलिटी इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 6 इनटू 10 पावर 4 पर मीटर क्यूब कैलकुलेट द मोबिलिटी हला मोबिलिटी केते म्यू केते जदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन अछि स्मॉल एन 6 इनटू 10 टू द पावर 4 पर मीटर क्यूब एतिके अछि एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन 15 न्यूटन पर कूलम बुझौ छी जानि परचो कांसेप्ट कोन एथिरे तुमको पचारि छी मोबिलिटी केते बाहर करिवो अच्छा मोबिलिटी रो फार्मूला तुम जानि छ कोन अच्छा ए दुईटा जिनस आम गोटे जिनस पाइपरिया वी आउ आर रो आम पाइपरिया करंट आई आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर ताले 4 एंपियर त
तो ड्रिफ्ट करंट बोले एटा को जदे हमें भाबीबा ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल्स टू एन ए वी डी इनटू ई मन पडुची मोबिलिटी दरकार तुम्हें कहबो वी डी रो फार्मूला म्यू इक्वल टू वी डी बाय ई जणा आछी हमकू किंतु एठी वी डी जणा नाही हालाकि ताले हमकू वी डी टा को रिप्लेस करिया को पडिवो इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला ताले वीडी रो वैल्यू टाक मु रिप्लेस करबी जस्ट ए टाइप रो क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो रे करी थिले म्यू ई पुट कर एन ए वीडी जगह रे पकेबा म्यू इनटू ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्वेश्चन देखो पिला माने करंट हम पाखरे अवेलेबल अछि होना नै 4 एम्पियर करंट अछि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल अछि होना नै एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल अछि होना नै इलेक्ट्रॉन रो चार्ज अवेलेबल अछि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल अछि केवल गोटाई जिनस बाहर से मोबिलिटी हे जब तले मोबिलिटी इज गिवेन बाय आई डिवाइडेड बाय एन ए कैपिटल ई स्मॉल ई सब वैल्यू गुड़ा पुट कर दबो इजीली कैलकुलेट करि परिबो जानि होची ऑब्वियसली सब गुड़ा एसआई सिस्टम रे कन्वर्ट करके कैलकुलेट करिबो क्लियर क्वेश्चन नंबर 50 ओके हला 53 51 एउटा करि परिबो हला डायरेक्ट क्वेश्चन अछि 51 और 53 डायरेक्ट क्वेश्चन किछ नै नेक्स्ट टॉपिक को जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा पिला माने 54 नंबर क्वेश्चन जोटा अच्छे रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर लेंथ दे डायमीटर दे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने रेजिस्टिविटी पचार रो करा है क्लू दे दूसरी केवल 55 नंबर दे रेजिस्टेंस ऑफ ए क्रोम वायर एट 0 डिग्री देखिए ये 55 टा करवा ये टाइप ये फॉर्मूला को लेकिन क्वेश्चन जेहेतु करना आम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस टा आर 0 बोली लिखा 10 ओम इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा दे 0.004 डिग्री सेल्सियस इनवर्स तार फॉर्मूला इटा फाइंड द रेजिस्टेंस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट केते रे 100 डिग्री सेल्सियस ताले 100 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस केते माने आर 100 केते पचारला बुझौ छी कमेंट ऑन द रिजल्ट हला त माने आर 100 इज इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस आलफा केते 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस मैं 0 डिग्री एमती लिखा है ना डिग्री सेल्सियस फर्मूला यहाँ कि नहीं आर थीटा टू आर थीटा वन फर्मूला मन पड़ी आमर मेन फर्मूला जोटा कौन आर थीटा टू इज इक्वल्स टू आर थीटा वन इंटू वन प्लस आलफा थीटा टू माइनस थीटा वन बुझौच से कनसेप्ट मुझे लिखे बर्तमान ये कौन आंसर हम लिखा अच्छा आर 100 मोर बाहर करार अच्छे 100 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस केते इज इक्वल टू 10 ओम अच्छी 1 प्लस अल्फा रे वैल्यू होची 0.004 डिग्री सेल्सियस इनवर्स ये डिग्री सेल्सियस ताले कौन है जीवो कैंसल है जीवे 100 माइनस 0 इंटू 100 बुझला अच्छा 10 1 प्लस अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस नाम डिग्री सेल्सियस इनवर्स डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई हो गला कौन है जीवो कैंसल हो गले 100 मल्टीप्लाई हेले 0. अच्छा 004 थला ना क्वेश्चन रे डेफिनेटली हाँ 004 थला तो आंसर आसी गला 1 2 0.4 ताले एटा हला 10 इंटू 1.4 है ना नहीं 10 इंटू 1.4 ताले केता हो गला रेजिस्टेंस टा आर 100 इज इक्वल्स टू 14 ओम रेजिस्टेंस बॉडी गला बॉइलिंग पॉइंट वाटर ऑफ वाटर रे रेजिस्टेंस हे गला 14 ओम हला कि ताले कमेंट ऑन द रिजल्ट बोली कहि छी रेजिस्टेंस इंक्रीजेस हाना ने टेम्परेचर बॉडी ले रेजिस्टेंस इंक्रीज हला ताले डेफिनेटली ए मटेरियल टा गोटे कंडक्टर क्रोम वायर बोली कहा जाय छी हला कि क्रोम माने जानि पारु छ ने क्रोम वायर बोली तो सेटा गोटे डेफिनेटली कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज हला सेटा कंडक्टर हला जानि होची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आमे देखिबा पिला माने 56 क्वेश्चन कोन कहि छ 56 नंबर कहि छ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर लेंथ टू वायर दुटा वायर सेम मटेरियल
सेम मटेरियल सेम लेंथ मटेरियल भी समान लेंथ भी समान हला कि रेजिस्टेंस गोटे 5 ओम गोटे 10 ओम फाइंड द रेशियो गोटे दला 5 ओम आ गोटे रेजिस्टेंस अछि 10 ओम क्वेश्चन पचार छी फाइंड द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ द टू रेडी माने रेडियस रो रेडी रेडियस रो प्लुरल हला रेडी त माने आर 1 बाय आर 2 रो रेशियो पचार छी बुझी पारु छ क्वेश्चन क्वेश्चन बुझी पारु छ आर 1 बाय आर 2 हला रेडियस रो रेशियो बाहर करे गेला हमको एरिया रो रेशियो बाहर करे पड़िबो अच्छा सेम मटेरियल कोइ छि माने दुइटा कर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट सेम लेंथ कोइ छि जण कर लेंथ कांस्टेंट त माने रो 1 रो 2 कोन गोटे रो आसीबो l1 इक्वल टू l2 इक्वल टू l बोली न भाई ताले रेजिस्टेंस रो रेशियो मु जदि नेबी ताले सेट हाइ जइबो a2 बाय a1 ना बुझि पर छ काई कि कि रेजिस्टेंस रो फार्मूला रो एल बाय ए ताले रो कांस्टेंट आर 1 इक्वल टू रो एल बाय ए 1 आर 2 इक्वल टू रो एल बाय ए 2 ताले रो एल उभयरा कांस्टेंट कटि गला मोर मिलिला गोटाई जंस से गोटाई जंस होउछि कोटा एटा एरिया अच्छा आर 1 आर 2 अच्छा ए 1 बाय ए 2 केते हि जइबो आर 2 बाय आर 1 आर 2 बाय आर 1 अच्छा आर 2 बाय आर 1 वैल्यू केते 2 हबो ना आर 2 बाय आर 1 10 बाय 5 2 अच्छा एरियाटा हबो एरियाटा ए 1 एरियाटा को लिखि परबी पाई आर 1 स्क्वायर एटा को लिखि परबी पाई आर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बुझि पारु छ केते इंटरेस्टिंग कांसेप्ट ताले आर 1 बाय आर 2 कोन हे गला रूट ओवर नै जिमना पाई पाई कटि गला आर 1 बाय आर 2 जदि न बि स्क्वायर अछि आर 1 बाय 2 माने पटा रूट ओवर नली ताले सपोर्ट बि रूट ओवर नै जिबे ताले रूट 2 बुझि हला त माने आर 1 बाय आर 2 रो रेशियो पाइली रूट 2 इज टू 1 केते पाइली रूट 2 इज टू 1 56 क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानि परथुबो ठीक अछि ओके लिखि दियो जोंटि भी जानि परना इमीडिएट कमेंट कर पिला माने क्वेश्चन दिया जाइनी बोली कंफ्यूज होबो नाही क्वेश्चन टा कहि डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि डाउनलोड कर क्वेश्चन क्वेश्चन को देखो 56 परे नेक्स्ट क्वेश्चन मु किछि सॉल्व करू नाही काहे कि 56 सारु 57 58 59 ए टाइप रे क्वेश्चन ऑलरेडी हमें करी छे तो करी परिबो ए पैटर्न भी जानि छ अप टू 62 तमे करी परिबो सब हला कि ए टाइप रो क्वेश्चंस सब रही छे लास्ट गोटे 62 टा करू छे 62 टिके डिफरेंट पैटर्न में रही छे 62 हला 62 क्वेश्चन तापर हमें रेजिस्टेंस क्वेश्चन गुड़ा से कन्सेप्ट को जीवा इलेक्ट्रिकल मोटर कंज्यूम्स 100 वाट अक्रॉस गोटे इलेक्ट्रिकल मोटर अच्छी मोटर जोटा कंज्यूम करुच 100 वाट सॉरी 1000 वाट अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई जदि आम 240 वोल्ट सप्लाई तक दबा से 1000 वोल्ट 1000 वाट पावर कंज्यूम कर इफ द वोल्टेज अक्रॉस इज मेड 180 वोल्ट ये सप्लाय यहाँ हूँ एक्चुअली सप्लाय एति दे से ए पावर कंज्यूम करिवो किंतु मु जदी पावर टाकू ताकू ए वोल्टेज देली 180 वोल्ट ताले पावर सेतिक रहिवो कि पावर कमी जेबो पचार छी खण फाइंड द मंथली एक्सपेंस ऑन यूजिंग इट डेली 1 आवर डेली गोटे घंटा यूज हबो डेली गोटे घंटा यूज हबो पर यूनिट कॉस्ट देछि रुपीस 3 ताले मंथली एक्सपेंस केते मंथली एक्सपेंस माने मंथली बिल का केते आसीला बुझि पारछ ताले मोर अच्छा मोटर रो रेजिस्टेंस टा कांस्टेंट थिबो ना पेला माने मोटर रो रेजिस्टेंस कांस्टेंट जदी मोटर रो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ताले मु ए कांसेप्ट रो गोटाई जिंस जानिली मोटर पई मु लिखि परिबी मोटर पई लिखि परिबी p1 / p2 इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर कहीं रे पिला माने कांसेप्ट हो पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर रेजिस्टेंस टा कांस्टेंट ताले रेशियो ने गेले रेजिस्टेंस कटि गला पी वन बाय पी टू इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर ताले पी वन देछि 1000 वाट पी टू हमको बाहर करे को पड़िबो पी वन बेले वी वन टा वोल्टेज केते
240 বুঝি পারছ না এরে 240 ভোল্ট দেলে 1000 ওয়াট আনুচি তাহলে v1 টা 240 p1 টা 1000 যেতবেলে মু করি দউচি 180 সেতবেলে p2 টা কত স্কয়ার তো মু স্কয়ার দেই দেলি জানি পারছ তাহলে এটা কো আমি সিম্পলিফাই কর দবা 1000 / p2 1000 / p2 এটা হলা কটি গলা 3 কাটলে 3 अतिक्रा स्क्वायर पुनिया को आरु करता बाद दूई रे जे 4/3 है जो सर 4/3 फाइनली है गला जेटा 16/9 ताले न्यू पावर P2 आशी गला के ते 1000 × 9/16 न्यू पावर अतिकी 9000 / 16 हाना नहीं एटा को सिंपलीफाई जो दिया मैं करी दबा एटा ऐसे वो कहते 500/8 जे 250/4 है ना गुणा ना 9 है ना स्टिल P2 टा को मु कैलकुलेट कर दउ जी केता होची 424 शिव है ना 4 2 8 62.5 × 9 एतिकी वाट एतिकी वाट पावर कंज्यूम करिवो से 180 वोल्ट आमे जदी दउची बोझी पारु छ 9 16/9 हला 9 वोल्ट पे कर देले 2/16 ठीक अछि p2 टा आसी गला सेति हना नै 500/8 एटा आसी गला हमरा 250/4 ठीक अछि एटा इनटू 9 रहि छ तो किछ असुविधा नै हला तो अच्छा एटा लिख सकथिबो एटा मु इरेज करछि देखो तो ई जगह रे हम एबे कोन करिवा कांसेप्ट जानि परछ कोन होउछि ए जगह रे हमें कोन करिबा मते पावर केते कंज्यूम कला से जाना पड़िबो ताले मंथली एक्सपेंस केते मोर कोन बाहर करियार अछि मंथली एक्सपेंस माने बिल बिल ता बाहर करिबा अच्छा एनर्जी आको केते बाहर से बिल ता बाहर करे पे मते एनर्जी बाहर करिया दरकार एनर्जी कंज्यूमड केते किलोवाट आवर रे बाहर करिबा केते पावर कंज्यूम करछि 62.5 × 9 केते दिन मासटे 30 डेज से 30 दिन को केते घंटा दिन को जदी गोटाए घंटा 30 दिन को 30 घंटा ताले 30 × 1 होना ने ताले पावर इनटू टाइम एति की वाट आवर जदी किलोवाट आवर राखु करिवा 62.5 × 9 × 30/1000 एति की के डब्ल्यू एच ना बुझौची जानी पारुछ कैलकुलेशन टा क्लियरली जानी पारुछ पिला माने एति की के डब्ल्यू एच होना नहीं आमु को दरकार मंथली बिल केते इरे मास को गोटे यूनिट बिल केते लिखाई छी पर यूनिट कॉस्ट रुपीस 3 ताले मंथली एक्सपेंस बिल टा 1 के डब्ल्यू एच टा जे 1 बीटीयू नु हो की बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ताले गोटे बीटीयू रो कॉस्ट हो जे 3 टका ताले एति की बीटीयू रो कॉस्ट केते हबो मंथली एक्सपेंस हम बाहर करले 62.5 × 9 × 30 डिवाइडेड बाय 1000 हला इनटू 3 एटा मल्टीप्लाई करले हना नै ओ जेउची एटा मल्टीप्लाई में कर दे परे इजीली एटी गोटे 00 कैंसिल हे गला हां 9 × 9 = 81 62.5 × 81 हला कि बाय 100 बुझ परछ कैलकुलेट कर दबो पिला माने एटा जति कि आसीबो फाइनली सेटा ही तुम्हारा आंसर हना नै सेति कि रुपीस रे आंसर आसीबो रुपीस हना नै जतिक रुपीस जतिक आसीबो ठीक अछि तो आई होप ए क्वेश्चन टा क्लियरली जानि परल तुम माने एते इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हला ओ जेउची तो गुडाय क्वेश्चन हमें सॉल्व कर देले हला आउ केछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाकी रहि छि लेखो एटा नोट डन कर दियो समस्त ठीक अछि तो 62 पर्यंत
हमारो क्वेश्चन सब ओवर रह गला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लामन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन देखा, 63 एटा अति इजी क्वेश्चन, एटा पर क्वेश्चन बोधे करी भी थी बा तुम माने कौन कही छे सर्किट क्वेश्चन टा एमती अछि ए टाइप रो अछि हना ने पचाचे जो करंट आई जाउ छे से आई केते एटा दिजे 2 वोल्ट ऑब्वियसली दिस इज 30 दिछि दिस इज 30 एटा भी 30 30 ओम 30 ओम 30 ओम पिला माने ए जो करंट आ जाउ छे एठी सर्किट टा क्लियरली देखो जानि परिवो ए जो करंट जाउ छी ए करंट टा एठी डिवाइड होबो कोठ ए माने भीतर डिवाइड हला अच्छा ए जी डिवीजन करंट टा सपोज गला आई 1 एठी गला आई 2 सीरीज पैरेलल केमिति जानिबो सीरीज पैरेलल केमि जानो ए आई 1 करंट एठी भी आसो कहिना एठी गोटिए रास्ता गोटिए पाथ एठी से आई 1 करंट आसिला एठी आई 2 आसिला आई 1 आई 2 माने मिसि गले मिसि कि फोन एठी आई गले ता माने ए ब्रांच टा पूरा ए ब्रांच सहित सी पैरेलल अच्छा एठी जेहेतु गोटाए करंट जाउची हे माने सीरीज ताले इक्विवेलेंट सर्किट टा मु ड्रा कर देली केमि देखो एटा को ए भली करि परिबो सजई दे के केमिति करूची देखो 30 30 30 एटा ला 2 त 30 30 केते हे गला एडी पिला माने 30 30 जदि आमे त 30 30 हे गला हमर केते 60 सीरीज 60 ओम हला पुनी नेक्स्ट सर्किट जदि करिबा आमे एटा 60 30 कोन हे गले पैरेलल वोल्टेज 2 वोल्ट लागिस 60 30 पैरेलल पैरेलल हे गले कोन सूत्र जानि छ ताले टोटल रेजिस्टेंस टा बे कोन हे जो बुझो एटा कांसेप्ट एडी आइ जाउतला एथि जो जाइतला आई 1 करंट देखो आई 1 करंट एटा को एमिति कन्वर्ट कर देले एटा जाउतला आई 2 आई 2 ताले करंट जो मान को भीतर डिवाइड हो से माने परस्पर सहित पैरेलल कहिथिल ताले दुटा पैरेलल परस्पर सहित एटा आर 1 धरिबा एटा आर 2 धरिबा हला ताले आर 1 इनटू आर 2 बाय आर 1 प्लस आर 2 टोटल रेजिस्टेंस टा आर आर 1 इनटू आर 2 केते 60 गुणन 30 बाय 60 प्लस 30 ताले एटा 1800 बाय 90 केते गला कटि गला 20 20 ओम ताले रेजिस्टेंस पाई गले 20 ओम करंट केते आई स्मॉल आई लिखाइ छी ऑब्वियसली वी बाय आर वी अछि 2 वोल्ट आर हला 20 ताले 1 बाय 10 बा 0.1 एम्पियर बुझि पार छ कांसेप्ट क्वेश्चन रा आंसर क्लियरली बुझियौ छ नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखिबा आउर गोटे से बड़ा सिंपल अति सिंपल क्वेश्चन अछि बहुत इजीली बुझि परिबो सेटा होछि क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 64 रे पचारि छि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फिगर टाक मु तुमरी आगर करू छे देख केते सिंपल क्वेश्चन सर्किट टाक देखि के पिला माने डरिबो नाही सर्किट प्रॉब्लम को देखि के डरी जांते पिला माने किंतु सर्किट को देखि के टोटली डरिबो नाही सर्किट इज वेरी सिंपल 555 एटा अछि ए एटा अछि बी एटा अछि सी अच्छा ए वोल्टेज अछि 2 वोल्ट पिला माने अच्छा ए सी अक्रॉस रे वोल्टेज हला 2 वोल्ट अच्छा एटी रेजिस्टेंस सॉरी एटा दिछि 5 एटा भी 5 एटा भी 5 अच्छा ई जो वोल्टेज टा एसी अक्रॉस है त माने ए तीनटा जक रेजिस्टेंस टोटल को जदी नबा ए माने परस्पर सहित सीरीज ना फिगर देखि जानि परथु ए जो करंट आ जीवो ए माने सीरीज पूरा ताले एटा को जदी कंबाइन करि देबे गोटे न्यू सर्किट फॉर्मेशन करिबे देखो एटा उपरटा हे जीवो 15 ओम जानि परछ थरली एटा तळटा भी हे जीवो 15 ओम ताले एठी करंट आ जाउछ एठी आई एठी भी आई एठी जदि त माने आई 1 एठी आई एठी यदि समान करंट जीवो त माने एठी करंट केते आस्थो 2 आई एठी जति कि जीवो सेटिंग कि काईना दुटा रेजिस्टेंस समान अछि करंट समान भाव रे भाग हो क्वेश्चन पचाछि ए आउ बी भीतर पोटेंशियल लॉ डिफरेंस केते क्वेश्चन बुझि परछ ए आउ बी भीतर पोटेंशियल लॉ डिफरेंस केते हला ताले ए पॉइंट ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस जेने को हेले वी ए माइनस वी बी मु बाहर करबी वी ए माइनस वी बी केते हबो वी ए माइनस वी बी केते हबो जो करंट जाउ छ सपोज एठी आई इनटू ए रेजिस्टेंस हो ना नहीं
जो करंट आई जाउची इनटू रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टा केते से रेजिस्टेंस टा ऑब्वियसली ए आउ विथ रेजिस्टेंस होची केते 10 ओम ना जानि परचो 5 5 सीरीज ताले मते ता भीतर रेजिस्टेंस केते जानिया पई हेले सॉरी करंट टा केते जाउची जानिया पई हेले मते एठी केवीएल पकेबा को पड़िबो ताले मु जे कोनसी गोटे लोग को कंसीडर करबी एईटा को मु कंसीडर करि देख एई पार्ट टा को मु कंसीडर करले ए पार्ट टा को मु कंसीडर करले 2 वोल्ट मु गली एटा माइनस एटा प्लस माइनस रु प्लस गले हला माइनस ताले माइनस 2 हला माइनस 2 हना ने एठी करंट जाउ छी केते एठी करंट जाउ छी आई हला की करंट रा सेम डायरेक्शन ने मु जाउ छी ताले प्लस 15 आई प्लस 15 आई इज इक्वल्स टू 0 अति आउ तो किछ नाही ताले 15 आई इज इक्वल्स टू 2 ताले आई इज इक्वल्स टू 2 बाय 15 एंपियर हबो ना करंट गला 2 बाय 15 एंपियर ताले एठी करंट केते बाहरतो ताले इनटू 2 देखो जे 2 आई बाहर छी देखो एठी आई करंट जाउ छी मेन करंट बाहर छी 2 आई आधा आधा हाफ हो जाउ छी त माने एठी करंट जाउ तो 4 बाय 15 एंपियर जानि परछो ना त माने मेन करंट जो बाहर छी 2 आई सेटा हो छी 4 बाय 15 एंपियर अच्छा सेटा हमर मतलब नै हमर आई बाहर गला वर्तमान मोर VA माइनस VB रो पोटेंशियल डिफरेंस मु कैलकुलेट करिया पई मु एठी हिसाब करि छी ताले एटा मु हिसाब करबी VA माइनस VB VA माइनस VB VA माइनस VB वाला आई 2 बाय 15 इनटू ए आउ बी भितर जो रेजिस्टेंस लागि छि बुझि परचो ना पिला माने एई गोटे पाथ ई पाथ रे पोटेंशियल डिफरेंस के मी जानिबी ओम्स लॉ दुईटा पॉइंट भितर रेजिस्टेंस केते अछि करंट केते जाउ छि करंट आई जाउ छि मु कोइ केवीएल पके किरी करंट ता केते बाहर कर देली वर्तमान वी माइनस वी वाला 2 बाय 5 इनटू रेजिस्टेंस 5 प्लस 5 सीरीज ताले 2 बाय 15 इनटू 10 ताले वीए माइनस वीबी आसीगला 20 बाय 15 20 बाय 15 5 5 रे एटा सिंपलीफाई करले 5 20 5 3 15 4 बाय 3 वोल्ट हना नै बीए माइनस वीबी आसी जीव आंसर 4 बाय 3 वोल्ट हना नै केता सिंपल क्वेश्चन बुझौ छी एटा गोटे लॉन्गेस्ट मेथड म गोटे शॉर्ट मेथड छोटो मेथड कहू छी अति चुटकी रे जानी हबो केमि देखो पिला माने ए 2 वोल्ट आ पूरा ए अक्रॉस रे अपीयर करू छी अच्छा वो सीरीज रे वोल्टेज डिवाइड हुए तुम जानी छ ताले ए जो 2 वोल्ट आ ए 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 सॉरी 5 ओम 5 ओम 5 ओम भीतर डिवाइड हबो हो ना नहीं ताले इ केतेटा भाग हबो 3 भाग हबो जेहेतु तीनटा जाको रेजिस्टेंस सेम ताले वोल्टेज टा इक्वली 3 भाग हि जइबो ताले प्रत्येक रेजिस्टेंस रे वोल्टेज हि दिबो माने वोल्टेज इन ईच 5 ओम ईच 5 ओम केते हिजो 2 बाय 3 वोल्ट 2 बाय 3 वोल्ट आ टोटल टा 2 वोल्ट गोटरे केता हो तीनटा आछी 2 बाय 3 वोल्ट ताले दीटा रे केते केते ट्रिक रे जानी हला दीटा रे केते हबो दीटा पई ए आउ बी भीतर जोटा वीए माइनस वीबी हला कोन हबो दीटा पई दीटा रेजिस्टेंस अछी त माने यार 2 बाय 3 यार भी 2 बाय 3 मिसले केता हेगला 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 हे गला ना 4 बाय 3 वोल्ट केते सिंपल ले बाहर गला एटा इजी मेथड एटा शॉर्ट मेथड हला की बुझौ छी तो पिला माने ए टाइप रे क्वेश्चन कला दुटा सैंपल तुमो कर देली सो दैट 64 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन गुडा तुमने जे ट्राई करि परिबो हला की ट्राई करो फर्दर डाउट रहिले पचारिबो कमेंट सेक्शन ने पचारो नेक्स्ट वीडियो रे आमे डिस्कस करिबा रिमेनिंग क्वेश्चन हालांकि नेक्स्ट वीडियो रे एक्चुअली एतिको कम क्वेश्चन आउ बड़का रहिछ सेतिको क्वेश्चन केवल न हो असाइनमेंट 2.2 टा भी तुमको प्रोवाइड करा हिजो 2.2 रो किछ सॉल्यूशन क्वेश्चन आ सॉल्यूशन ता सहित 2.1 रो रिमेनिंग क्वेश्चन याको नेके मु नेक्स्ट वीडियो रे आसीबी हला बुझौ छी टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ चेतक फिजिक्स वीडियो देखो क्वेश्चन गुडा को डाउनलोड करो वेबसाइट रो लिंक दिया जाइछ हला लाइक करो सब्सक्राइब करो थैंक यू